हेलो पाइसिस, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 24th ऑफ नवंबर से लेके 30th ऑफ नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर पाइसिस। Ace of Wands, the Hermit, the Tower, Death, Knight of Wands. Okay, so हमारे पास है the Hermit. Hermit के साथ लगता है जैसे आप tired हैं इस week में। आप बहुत tired महसूस कर सकते हैं। आपको लगेगा कि आप इस रिलेशनशिप में कॉन्टिन्यूसली अपने टोज पे हैं। ओके, आपको कॉन्टिन्यूसली इस रिलेशनशिप में एफर्ट करना पड़ रहा है, कोशिशें लगातार करनी पड़ रही है। आप कभी भी रिलैक्स होके ये सोच नहीं पा रहे कि अब आप सेफ जोन में हैं। आप कभी भी ऐसा नहीं फील कर रहे कि अब आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट ना भी करें तो चीज़ें अपने आप होंगी। आपको सिर्फ अब इंजॉय करना है। लगता है जैसे कि ये पर्सन नाइट ऑफ वांड्स है। आप जिससे भी डील कर रहे हैं, ये पर्सन काफ़ी फ्लर्टेशियस हो सकता है। हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत इनसिक्योर फील करा रहा है अपनी हरकतों से, एंड आप उस चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं। ये आपको लगता है कि आपके कॉन्स्टेंट एफर्ट करने से, लगातार कोशिशें करने से ये पर्सन इस रिलेशनशिप में रह जाएगा एंड चीज़ें बदल जाएंगी। ये पर्सन आज नहीं तो कल आपके एफर्ट्स को रिकग्नाइज करेगा। और मे बी ये पर्सन आपको ऐसा फील करा रहा है जैसे कि उनके अटेंशन के लिए आपको किसी से कंपटीशन करने की ज़रूरत है। आपको लगातार ये श्योर करने की ज़रूरत है, ये शो करने की ज़रूरत है कि आप दूसरों से बेहतर हैं। एंड ये चीज़ आपके मन के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनसिक्योरिटी डाल सकती है। ये इनसिक्योरिटी आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रही है, आपकी पॉसिबिलिटी को ड्रेन कर रही है। आप खुद को डाउट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या आप दूसरों से कम है किसी वजह से। इस वजह से ये पर्सन इस तरीके से बिहेव कर रहा है और दूसरों को अपना अटेंशन दे रहा है। ये चीज़ आपको परेशान कर सकती है। एंड टैरो आपसे कह रहा है, अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें आपको लगातार एफर्ट करना पड़ रहा है या इनके वैलिडेशन की लगातार ज़रूरत पड़ती रहती है, तो सोचने का वक्त आ गया है, बिकॉज स्टार मोमेंट कुछ चेंज करेगा ओके इस वीक में। और स्टार मोमेंट जब भी कुछ चेंजेस लाता है तो उसके पीछे कुछ मैसेजेस होते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होता ही है। सो ये पर्सन शायद इस तरीके से बिहेव करके आपको अपने पर्सनालिटी का ट्रू नेचर शो कर रहा है। अपनी तरफ से ये केयरलेसनेस दिखा के या इस तरीके से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके ये पर्सन आपको एक रेड फ्लैग शो कर रहा है, या फिर आपको अपनी पर्सनालिटी का वो साइड दिखा रहा है जो आपके लिए सुटेबल नहीं है। एंड अब आप पे ये डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, बिकॉज डेथ का कार्ड है यहाँ पे। सो डेथ का कार्ड आपको कह रहा है कि आपको किसी चीज को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो भी हो रहा है वो सिर्फ टेम्प्रोरी है। ओके, मे बी आप में से बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप को खोने से डरते हैं, बिकॉज आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं और आप इस रिलेशनशिप को लेट गो नहीं करना चाहते। बट टैरो आपसे कह रहा है कि चेंज मुश्किल ही सही बट ज़रूरी है, और जिन खुशियों को आप खोज रहे हैं वो इस रिलेशनशिप में शायद ही आपको कभी मिल पाए। इनफैक्ट यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि पुरानी चीज़ों को एंड होने दीजिए ताकि नई चीज़ें उनकी जगह ले सके। डेथ का कार्ड किसी पेनफुल एंड के बारे में नहीं है। हालांकि आपके इमोशंस आपको सैड महसूस करवा सकते हैं कुछ समय के लिए। आपको फील हो सकता है जैसे कि आपकी कोई प्रार्थना नहीं सुनी जा रही और यूनिवर्स आपको इस तरह की सिचुएशन में डाल रहा है बार बार। बट सच ये है कि जो भी हो रहा है वो एक रीज़न से ही हो रहा है, और डेथ का मतलब है कि नए रास्ते बन रहे हैं नई एनर्जीज के लिए और नई शुरुआत के लिए।
एंड टैरो आपसे कह रहा है कि सोचिए ज़रा कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में कंटिन्यू कर सकते हैं जिसमें लगातार आपको एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, लगातार आपको प्रूव करने की ज़रूरत पड़ रही है कि आपको उनका प्यार मिलना चाहिए। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं तो इस रिलेशनशिप में होने के कोई मायने नहीं है। आपका हायर सेल्फ आपको यही मैसेज देना चाहता है। ओके, एस ऑफ वांड्स का कार्ड है यहाँ पे। सो ये कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, ये पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह हो सकता है, आपके लिए दुनिया में सबसे स्पेशल पर्सन हो सकता है। बट टैरो आपको रिमाइंड करा रहा है कि ये आपके इमोशंस हैं। ओके, आप अगर प्रैक्टिकली देखें, ट्रूथ को देखें, तो ये पर्सन कहीं से भी आपके काबिल नहीं है शायद, और इस बात को आप इग्नोर करते आए हैं। ओके, सो डरिए मत कुछ ऐसा लूज करने में जो कम अच्छा है, कुछ ऐसे के लिए जो उससे कहीं बेहतर है। ओके, क्योंकि वही चीज़ें आपकी ड्रीम को पूरा करेंगी, वही चीज़ें आपके लिए एक नया रास्ता खोलेंगी। ओके, सो एक नई एनर्जी, नए लव के लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए, बिकॉज ये शिफ्ट मुझे आता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एंड एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए पाइसेस। टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द सन, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड द फाइव ऑफ कप्स। ओके, सो हमारे पास है टू ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन डेफिनेटली आपका एक अच्छा फ्रेंड हो सकता है, और ये पर्सन आपसे दूरी नहीं बनाना चाहेगा, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और आप है क्वीन ऑफ कप्स, तो आप दोनों बिल्कुल अलग ही लेवल पे हैं जब बात आती है इमोशनल मैच्योरिटी की, जब बात आती है लव की। आप एक अलग ही पर्सन है और वो एक अलग ही पर्सन है। इस पर्सन को नहीं लगता कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। हो सकता है ये पर्सन बहुत फ्लर्टेशियस हो, जो मैंने पहले भी कहा था। सो ये पर्सन अपना अटेंशन डिवाइड करेगा एंड उन्हें लगेगा कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप है ये क्वीन ऑफ कप्स, परफेक्ट और इमोशनली मैच्योर, जिसे लव की अहमियत पता है और जो अनकंडीशनल लव भी देना जानती है। बट चीज़ें इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं क्योंकि आप शायद इस पर्सन के इस बिहेवियर को टॉलरेट कर रहे हैं और आपने बाउंड्रीज नहीं ड्रॉ की हैं। सो अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना भी चाहते हैं तो भी आपके लिए बाउंड्रीज ड्रॉ करना ज़रूरी होगा, तभी आप द सन को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जिन खुशियों को आप चेज कर रहे हैं वो आपको तभी मिलेंगी जब आप चीज़ों को क्लियर करें और बाउंड्रीज ड्रॉ करें, बिना किसी डर के कि ये पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा या आगे क्या होगा। फाइव ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि इस वक्त आपके मन में बहुत सारे इमोशंस हो सकते हैं, थॉट्स हो सकते हैं और आइडियाज हो सकते हैं जो आपको परेशान करेंगे, बट याद रखिए कि इनसे लड़ने की स्ट्रेंथ भी है आपके अंदर। फाइव ऑफ कप्स के साथ एक ऐसा फैसला लीजिए जो आपके लिए सुटेबल हो इस सिचुएशन में। ओके, जिसके लिए आपको बाद में रिग्रेट ना करना पड़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए पाइसेस। द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। सो हमारे पास है ये कार्ड, इसका मतलब है कि जो भी हो रहा है वो यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है, एंड होने दीजिए इन चीज़ों को, यूनिवर्स के फ्लो के साथ आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए, बिकॉज आप सही डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, हैप्पीनेस की तरफ लेके जा रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ लूज कर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दरअसल उन्हीं चीज़ों को लूज कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में आगे चल के कोई बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाएंगी। अगर यूनिवर्स रिमूव कर रहा है उन चीज़ों को तो ट्रस्ट कीजिए कि वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।